और गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग काफ़ी बढ़िया ही होंगे। और गाइस यहां पे अभी आप लोग जो स्क्रीन पे स्टेटस वीडियो देख रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में कुछ इसी तरीके की स्टेटस वीडियो बनाना सिखाऊंगा, जहां पे आप लोग अपना फ़ोटो लगा के या किसी फ्रेंड का फ़ोटो लगा के कुछ इस तरीके की स्टेटस वीडियो बनाओगे ना, तो आपकी वीडियो बहुत ही कमाल की लगेगी। और आप लोग अपनी वीडियो बना के कहीं पर भी किसी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियोज़ पर काफ़ी अच्छे लाइक्स और व्यूज़ आएंगे और काफ़ी लोग जो है आपकी वीडियोज़ को पसंद भी करेंगे। तो गाइस अगर आप लोग इस तरीके की स्टेटस वीडियोज़ बनाना सीखना चाहते हैं, तो सीखने के लिए गाइस वीडियो को आप लोग पूरा शुरू से लेके लास्ट तक देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कुछ इस तरीके की स्टेटस वीडियो बनाना सीख लेंगे। ये वीडियो बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। वीडियो को आप लोग पूरा देखिए लगभग 4 से 5 मिनट, और इसके बाद आप लोग एक बार में ही इस तरीके की स्टेटस वीडियो बना लोगे। तो चलिए फ्रेंड आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवा और आप सभी लोगों का हमारे मिस्टर सोनू टेक्निकल चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आप लोग को इस तरीके की स्टेटस वीडियो बनाने के लिए प्ले स्टोर पर चले जाना होगा और यहाँ पे आप लोगों को सर्च बार में टाइप करना होगा लोबी। ठीक है, क्या टाइप करेंगे? लोबी। टाइप करने के बाद इसको आप लोगों को यहाँ पे सर्च कर देना होगा। ये वाली जो एप्लीकेशन है, इसी एप्लीकेशन को आप लोगों को अपने फ़ोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना होगा। फिलहाल मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका था, तो आज इसमें अपडेट आ रहा है तो मैं फ़िलहाल इसको अपडेट कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे जो अपडेट हो चुकी है सक्सेसफुली। इस एप्लीकेशन को यहाँ पे मैं करूँगा ओपन। ओपन करने के बाद इस एप्लीकेशन का इंटरफेस आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर माई क्रिएशन, यहाँ पे इस वाले जगह पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आप लोग यहाँ पे इस एप्लीकेशन में जो भी वीडियो को एडिट करेंगे वो यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं बैक चलूँगा, बैक चलने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिलता है चूज़ इमेज। यहाँ पे चूज़ इमेज पे जो है मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों की जो यहाँ पर गैलरी है वो ओपन हो जाती है। अब यहाँ से आप लोग जिस फोटोज़ पर स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं वो फोटोज़ को यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, तो यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे इसमें से कोई फोटो इसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे मैं ये वाली जो फोटोज़ है यहाँ पे ये वाली नहीं सिलेक्ट करूँगा, नीचे आऊँगा मैं। तो एग्जांपल ले लीजिए, मैं ये वाली फोटोज़ को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये फ्री ऑफकोर्स एप्लीकेशन है, इसकी वजह से इसमें एड्स आएगी, तो एड्स को आप लोगों को कट कर देना होगा। कट करने के बाद यहाँ पे इसका इंटरफेस इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग नीचे साइड में इसमें जो है रेशियोस देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग जिस रेशियो में स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं वो रेशियो को सेलेक्ट करेंगे, जिसमें यहाँ पे 1.1 इंस्टाग्राम का, 60.9 यूट्यूब का, 9.60 मोबाइल की फुल स्क्रीन का। तो यहाँ पर मैं मोबाइल की फुल स्क्रीन के लिए बनाऊँगा, तो इसके लिए मैं 9.60 का सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं इस तरीके से क्रॉप करूँगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्रॉप वाला आइकन आता है, ऑप्शन क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लीज़ वेट, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं वेट करूँगा। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरीके के इंटरफेस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट म्यूज़िक, पार्टिकल्स, कलर इफेक्ट, फिल्टर और यहाँ पर कलर ओवरले, और इसके बाद यहाँ पर फ्रेम, मोशन और ये टैक्स और विजुलाइजर, ये यहाँ पे नीचे साइड में आप लोगों को कुछ इस तरीके के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग जिस सॉन्ग पे स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट म्यूज़िक, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों की गैलरी में जितने भी म्यूज़िक पड़े होंगे वो सारे के सारे म्यूज़िक्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को जो भी म्यूज़िक पे यहाँ पर स्टेटस वीडियो बनाना है वो म्यूज़िक यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ये ना सिलेक्ट करके मैं कोई और दूसरा सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये एक म्यूज़िक है और आप सॉन्ग भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे यूज़ वाला आइकन आ जाता है, यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद ये म्यूज़िक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे नीचे साइड में पार्टिकल्स मिलते हैं, पार्टिकल्स पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके के जो पार्टिकल्स हैं इनको आप लोग अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे पार्टिकल्स मिलते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट को ऑन ही रखना होगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स मिलते हैं। पार्टिकल्स को यूज़ करने से पहले मैं क्या करूँगा, और इसमें एक मिलता है फिल्टर पार्टिकल्स कलर इफ़ेक्ट, इनको मैं कट करता हूँ। यहाँ पे आप लोग को जो है कलर ओवरले मिलता है, तो इस तरीके से आप लोग इन कलर ओवरले को यहाँ पे इनेबल करेंगे और इस तरीके से इनको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये मेरी इस तरीके से हो जाएगी। और इसके बाद पार्टिकल्स पे चला जाऊँगा और इनमें जो है डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, इनको मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं ये वाली जो पार्टिकल्स यहाँ पे ले लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका साउंड मैं ऑफ कर लेता हूँ फिलहाल, और यहाँ पे मैं इसको कट करूँगा। कट करने के बाद यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिलता है कलर इफ़ेक्ट, कलर इफ़ेक्ट में आप लोग इस तरीके के जो इफ़ेक्ट हैं इनको आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको नन रखता हूँ, फ़िल्टर का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस तरीके के फ़िल्टर हैं, इनको आप लोग अपने वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेम का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस तरीके के जो फ्रेम्स हैं इनको आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आप लोगों को फ्रेम्स मिल जाते हैं, इनको यहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरीके के जो फ्रेम्स आ रहे हैं इनको आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको जो है नन कर लेता हूँ। यहाँ पे नन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को मोशन का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो इस तरीके के जो मोशंस हैं इनको भी यहाँ से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस एप्लीकेशन की मदद से, ठीक है, ये इस तरीके के मोशंस इनको आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर ये वाला जो है यहाँ पे मोशन चलता है बीट वाला, तो इनको आप लोग इस तरीके से कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कट करूँगा। टैक्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो टैक्स में आप लोग जाके यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। प्लस के आइकन पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अपना जो है चैनल का नाम दे देता हूँ या अपना नाम यहाँ पर डाल देता हूँ। और इसका जो मैं इफ़ेक्ट है कलर इस तरीके से मैं चेंज करूँगा यहाँ पर, और इसके बाद मैं यहाँ पर जो है क्लोज़ करूँगा यहाँ पे, और इसको मैं कहीं पे भी इसको सेट कर सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं इसको भी यहाँ से जो है क्या करूँगा, हटा देता हूँ मैं इसको भी। विजुलाइज़र का ऑप्शन मिल जाता है, तो विजुलाइज़र में आप लोग इस तरीके की जो विजुलाइज़र हैं इनको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये विजुलाइज़र मिल जाती हैं, तो मैं वन वाली विजुलाइज़र को सिलेक्ट करके मैं इसको जो है थोड़ा सा नीचे लेके जाऊँगा, यहाँ पर इसको सेट कर दूँगा, राइट पर क्लिक करूँगा, तो ये विजुलाइज़र हमारी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके बाद इतना काम करने के बाद यहाँ पे ये जो है लोबी का जो वाटरमार्क है इसको हटाने के लिए इस पर जो है क्लिक करेंगे और यहाँ से एक ऐड को देख लेंगे। कर देना होगा आप लोगों को, यहाँ पे देख सकते हैं ये कट हो चुका है, यहाँ से वाटरमार्क हट गया है। और इसके बाद सेव वाला ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर जो आप लोग को एक बार ऐड देखनी होगी, तो यहाँ से आप लोग को इस एड्स को कट कर देना होगा। और ये देख सकते हैं ये वीडियो एक्सपोर्ट होना यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से 100% ये कंप्लीट हो जाएगी, तो आपकी वीडियो यहाँ पे जो है गैलरी में जाके सेव हो जाएगी। और इसके बाद इस वीडियो को यहाँ पे कहीं पे भी आप लोग जो है अपलोड कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहाँ अपलोड करना चाहते हैं वहाँ जाके अपलोड कर दीजिए।